गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार ICS के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग के CGL के एग्ज़ाम के लिए ये एक प्रैक्टिस स्टेट की स्टार्ट किया गया है, जिसमें कि 70 क्वेश्चंस है। इसमें आपका जो भी सिलेबस है उसमें से हर चैप्टर से क्वेश्चन कवर किया गया है, और ईच चैप्टर का हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है। वैसे उतनी एक्सप्लेनेशन की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं सारा चैप्टर कवर कर चुकी हूँ। तो आप ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 है यहाँ पे, आप इसको देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, किसी में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। संकेत सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? इसमें अगर आपको आता है क्वेश्चन का आंसर, अगर आपको आता है तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके 70 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो क्वेश्चन आपका गलत होगा तो आप उसमें ऑलरेडी एक नंबर नेगेटिव डिडक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, संकेत सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए डिंग डांग सिद्धांत, ऑप्शन बी स्वीकारवाद सिद्धांत, ऑप्शन सी दिव्यतावाद सिद्धांत एंड ऑप्शन डी रनन सिद्धांत। ये जो आपका क्वेश्चन है, जो 70 सेट है, ये आपके जितने भी संस्कृत लैंग्वेज के एग्जाम है उसके लिए वेरी यूजफुल होगा। जैसे कि आपका लेडी सुपरवाइजर का अगर एग्जाम है, जिन लोगों ने संस्कृत रखा होगा पेपर 2 में, उनके लिए बहुत यूजफुल होगा। साथ साथ जो भी टीचर्स वाले फॉर्म हैं, जैसे नेट टेट या UGC इस टाइप के जिसका भी एग्जाम है, उन सब के लिए यूजफुल है। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत टफ तो नहीं है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये बहुत ईजी ही लगेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, संकेत सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए डिंग डांग सिद्धांत या डिंग डांग थ्योरी, ऑप्शन बी स्वीकारवाद सिद्धांत, ऑप्शन सी दिव्यतावाद सिद्धांत एंड ऑप्शन डी रनन सिद्धांत। तो आपने ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें ये कुछ सिद्धांत थे जो आपको पढ़ने थे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर है बी स्वीकारवाद सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिभा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप थ्योरी देख के ही बता देंगे कि इसके प्रतिपादक कौन थे। और अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जो ये फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं अनाउंसमेंट कर देती हूँ कि इन सबका सारा डिटेल जो है क्लास लिया जा चुका है। फर्स्ट चैप्टर से लेके 5th चैप्टर तक आपको सारा डिटेल इसमें बताया गया है। तो अगर आपको क्वेश्चन देख के लग रहा है कि नहीं आता है या आपको इसका डिटेल पढ़ने की जरूरत है, तो आप वीडियो क्लिक क्लिक वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए, सब्जेक्ट के साथ जो आपका टॉपिक है उसका प्लेलिस्ट बना हुआ, आप वहाँ पे टच करके या क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे ये सिद्धांत है तो उस टॉपिक को खोलकर आप वो सारा डिटेल में पढ़ सकते हैं, अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो। प्रतिभा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए भरत, बी पाणिनि, सी उल्लूक और डी भर्तृहरि। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी भर्तृहरि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वैदिकी नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे वैदिकी नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए वैदिक संस्कृत, बी लौकिक संस्कृत, सी ए और बी दोनों, मतलब वैदिक संस्कृत भी लौकिक संस्कृत भी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, none of the above। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? किसे वैदिकी नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है आपका वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को ही हम लोग वैदिकी नाम से पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिहार बोलियों में शामिल नहीं है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जो ये बोली है वो बिहार की बोलियों में शामिल नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो आप बिना ऑप्शन के भी बता ही सकते हैं कौन कौन से नहीं है। ए भोजपुरी, बी मगही, सी बघेली और डी मैथिली। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बघेली। ये जो आप जो लैंग्वेज वाला है जो सेकंड चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संस्कृत भाषा के शब्दों का ही विकृत एवं परिवर्तित रूप प्राकृत भाषा है? आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि कहीं किसी ने कुछ कहा है तो उससे डायरेक्ट
मतलब वो स्टेटमेंट एज इट इज देकर आपसे पूछा जाएगा कि ये किसने कहा है। तो यहाँ आपका कथन दिया हुआ है, संस्कृत भाषा के शब्दों का ही विकृत एवं परिवर्तित रूप प्राकृत भाषा है। ऑप्शन ए पाणिनी, ऑप्शन बी हेमचंद्र, सी दंडिन या डी भरत मुनि। तो किसने ये बात कही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी भरत मुनि। तो जैसे जिसका भी स्टेटमेंट है, जैसे पाणिनी का क्या स्टेटमेंट था, हेमचंद्र का क्या था, दंडिन का क्या था या भरत मुनि का क्या था, आप ये चैप्टर वाइज अगर खोलेंगे तो उसमें सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो आप प्लीज, जिनको थोड़ा सा भी टफ लग रहा है तो आप वहां पे वीडियोस में क्लिक करके देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन वहां पे दिया हुआ है। तो ये किसने कहा था? ये भरत मुनि ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 70 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देने जाऊंगी तो ये वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग में से ही कुछ लोग बोर हो जाएंगे और हार्डली 10 टू 5 मिनट्स देके स्किप कर जाएंगे। इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन शॉर्ट कर रही हूँ, क्योंकि सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन है और इसमें जिसका भी एग्जाम है उन लोग का तो ये सब मतलब कंप्लीट होगा और उनको आता ही होगा, ऐसा कुछ टफ नहीं है कि इसमें एक्सप्लेनेशन दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि भाषा के नाम से किस भाषा को जाना जाता है? क्वेश्चन क्या है आपका? ऋषि भाषा के नाम से किस भाषा को जाना जाता है? ऑप्शन ए मागधी, बी संस्कृत, सी साबरी, डी सौरसेनी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी संस्कृत। संस्कृत को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऋषि भाषा, देव भाषा या देववाणी, ये सब किसको कहा जाता है? संस्कृत भाषा को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए भरत, बी भामह, सी राजशेखर या डी अश्वघोष। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसे माना जाता है? बी भामह को माना जाता है। ये तो आप लोग याद कर लिए होंगे कि किस कौन किसके प्रवर्तक है, कौन किसके प्रतिपादक है, इस टाइप के क्वेश्चन। काव्य शास्त्र का ही एक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य शास्त्र का ही एक नाम है, तो काव्य शास्त्र को ही कौन से नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ए नाट्य शास्त्र, बी साहित्य शास्त्र, सी शस्त्र शास्त्र और डी हृदय शास्त्र। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र को ही क्या बोला जाता है? काव्य शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि पुराण काल ने कुल कितने अलंकारों को स्वीकार किया है? अग्नि पुराण काल ने, जो अग्नि पुराण काल है, जो अग्नि पुराण है, आपने पुराण पढ़ा होगा, वेद उपनिषद पुराण, तो अग्नि पुराण काल में कुल कितने अलंकारों को स्वीकार किया गया है? कितने अलंकार को स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए 23, बी 38, सी 41 और डी 68। कितने हैं? ए 23, बी 38, सी 41 और डी 68। तो कितने अलंकारों को माना गया है? 23 अलंकारों को माना गया है। तो आप ये जो फैक्ट्स एंड फिगर वाले क्वेश्चन हैं वो तो जैसे कि कितने अलंकार हैं, कितने संप्रदाय हैं, ये सब आप याद कर चुके होंगे अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहारिणी शैली के प्रवर्तक कौन है? मनोहारिणी शैली के प्रवर्तक कौन है? ए पतंजलि, बी माघ, सी तुलसीदास या डी कालिदास। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मनोहारिणी शैली के प्रवर्तक कौन है? डी कालिदास। तो जितने भी आपको राइटर्स पढ़ने थे, जैसे कि आपको पूर्व मेघ है, अभिज्ञान शकुंतलम है, उत्तर रामचरित है, तो इनके जो ऑथर है, जैसे कि कालिदास हुए, भवभूति हुए, दंडी हुए, भाष हुए, इनके बारे में आपको डिटेल पूरा पढ़ना था कि इनकी कितनी रचनाएं हैं, ये कौन से शैली में लिखना पसंद करते हैं, ये कौन सा रस ज़्यादा प्रयोग करते हैं या कौन सा छंद प्रयोग करते हैं। तो ये आप एक चार्ट बनाकर आप उसको याद कर लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन था, मनोहारिणी शैली के प्रवर्तक कौन है, तो कौन है मनोहारिणी शैली के प्रवर्तक? डी कालिदास। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
काव्यदर्श के ग्रंथकार कौन है? काव्यदर्श के ग्रंथकार कौन है? ए दंडी, बी उद्भट, सी भाम और डी भरत। तो इसके करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन है? ए दंडी। किसके? काव्यदर्श ग्रंथकार के ग्रंथकार। तो काव्यदर्श को किसने लिखा है? दंडी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्यालंकार सार संग्रह, ध्यान से देखिए आप क्या है, काव्यालंकार सार संग्रह किसका ग्रंथ है? किसका ग्रंथ है? ए वामन, बी रुद्रट, सी राजशेखर और डी उद्भट। तो किसका है ये? डी उद्भट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रभानु राजदेवी निम्नलिखित में से किसके पिता और माता हैं? जो चार ऑप्शन दिए हैं वो किसके माता पिता है, कौन, क्या नाम है? चित्रभानु और राजदेवी किसके माता पिता हैं? माघ, राजशेखर, बाणभट्ट या श्रीहर्ष। तो किनके माता पिता है ये? बाणभट्ट के। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जितने भी ऑथर या राइटर है, आप उनके जो गोत्र है, माता पिता है, उनके गुरु है, उनके शिष्य है या उनके परिवार के जो भी लोग हैं, जो इम्पोर्टेंट पर्सन है, वो आप एक बार याद कर लीजिएगा। तो चित्रभानु और राजदेवी निम्नलिखित में से किसके माता पिता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाणभट्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भवितव्यम नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किस स्थान से होता है? पत्रिका का नाम क्या है? भवितव्यम नामक साप्ताहिक, जो सप्ताह में निकलता है, साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किस स्थान से होता है? ऑप्शन ए अयोध्या, बी वाराणसी, सी नागपुर या डी पूना। क्या क्या ऑप्शन है? ए अयोध्या, बी वाराणसी, सी नागपुर या डी पूना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि कवि के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपको, ये जब से आप संस्कृत पढ़ना स्टार्ट किए होंगे तभी पता चल गया होगा कि आदि कवि किसको कहा जाता है। तो आदि कवि के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? ए वाल्मीकि, बी वेदव्यास, सी कालिदास और डी जयदेव। इनका एक श्लोक भी बहुत, मतलब जो आदि श्लोक है, प्रथम श्लोक था, वो भी आप लोग को याद ही होगा जिन लोगों ने संस्कृत पढ़ा है या जिनका पीएचडी या ग्रेजुएशन पोस्ट, अगर पीएचडी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं भी है तो भी आप जब संस्कृत पढ़ना स्टार्ट किए होंगे तो पहला श्लोक कौन सा होगा वो सभी को पता होगा, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाचल तथा महामहोपाध्याय किसके उपनाम है? उपनाम भी आपको सब के याद रखने हैं, तो किसके उपनाम है ये? कोलाचल और महामहोपाध्याय किसके उपनाम है? ए कालिदास, बी मल्लीनाथ, सी कनाद या डी भरत मुनि। तो किसको इस नाम से भी जाना जाता है? बी मल्लीनाथ को। मल्लीनाथ को कोलाचल और महामहोपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाणिनि का संबंध किस स्थान से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाणिनि का संबंध किस स्थान से है? ऑप्शन ए सालातुर ग्राम अटक, बी गोनर्द गोंडा, सी विदर्भ महाराष्ट्र या डी साकेत अयोध्या। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए सालातुर ग्राम अटक। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, भवभूति किस गोत्र से संबंधित थे? मतलब आपको माता पिता के साथ साथ गोत्र भी याद रखना है, तो जो भवभूति थे वो किस गोत्र से संबंधित थे? ए कश्यप, बी कौशिक, सी कुशिक या डी सारस्वत। तो भवभूति का गोत्र क्या था या कालिदास का क्या गोत्र था, बाणभट्ट का क्या गोत्र था, ये भी आपको याद रखना है। तो भवभूति किस गोत्र से संबंधित थे? ए कश्यप गोत्र से संबंधित थे। तो जिनका जिनका ये गोत्र है आप वैसे रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास का संबंध किस संप्रदाय से है? कालिदास का संबंध किस संप्रदाय से है? ए वैष्णव, बी ब्रह्म, सी जैन, डी शैव। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कालिदास आप जब भी देखेंगे मंगलाचरण देखेंगे या वो किस भगवान के बारे में ज़्यादा लिखते हैं या बताते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास का संबंध किस संप्रदाय से है? डी
शैव, वो शिव भक्त है। रत्नाकर किसके राजाश्रित कवि थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपका हो चुका है, यहाँ पे भी आपको 70 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? तो रत्नाकर किसके राजाश्रित कवि थे? अगर आप लोग को, आप लोग अगर जो देख रहे हैं, तो अगर आपको करेक्ट आंसर आता है तो आप अभी अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि आउट ऑफ 70 आपको, आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं और कितने आपके नेगेटिव हो रहे हैं। तो कैलकुलेट करके कितने पॉजिटिव नेगेटिव करके आप अपना मार्क्स निकाल सकते हैं कि 70 में आपने कितने सही किए, ठीक है? रत्नाकर किसके राजाश्रित कवि थे? ऑप्शन ए राजा लक्ष्मण सेन, बी राजा धवल चंद्र जी, सी राजा चिप्पट जयापिड, या डी राजा मुंज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? किसके, रत्नाकर जो है किसके राजाश्रित कवि थे, मतलब किस राजा के आश्रित कवि थे वो? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राजा चिप्पट जयापिड, ठीक है? 20 क्वेश्चन हो गया, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माघ किस रस से संबंधित कवि थे? रस भी आपको याद रखना है, जैसे कालिदास को, कवि कालिदास को कौन सा रस पसंद है, या माघ या भारवी किस रस में लिखना पसंद करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप एक बना, मतलब इस तरीके से कॉलम बना के रखेंगे, जैसे कालिदास के किस संप्रदाय या किस रीति, कौन सा अलंकार, कौन सा रस उनका फेवरेट था। तो इस तरीके से जितने आपके एग्जाम में जो सिलेबस में जो राइटर दिए, जैसे भवभूति हुआ, कालिदास हुआ, भास हुआ, तो इस तरीके से अगर आप बना लेंगे तो आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्वेश्चन है आपका, माघ किस रस से संबंधित कवि थे? ए श्रृंगार रस, बी करुण रस, सी अद्भुत रस, या डी वीर रस। तो ये किससे संबंधित कवि थे? डी वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि का प्रिय छंद कौन सा है? वाल्मीकि का प्रिय छंद कौन सा है? ए आर्या, बी अनुष्टुप, सी उपजाति, या सी वंशस्थ। तो कौन सा प्रिय छंद है उनका? ये भी वेरी इजी क्वेश्चन है, बी अनुष्टुप छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास की प्रसिद्धि के क्या क्या कारण थे? थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप वो क्वेश्चन पढ़ के ठीक कर सकते हैं। कालिदास की प्रसिद्धि के क्या क्या कारण थे, मतलब कालिदास किस चीज के लिए जाने जाते थे कि श्रृंगार रस में लिखते हैं, या फिर कौन सा रीति है, या कौन सा संप्रदाय है, या कौन सा छंद है, वो किस चीज के लिए फेमस थे, ठीक है? क्वेश्चन आप समझ गए। तो इसके ऑप्शन है जैसे अर्थगौरम, तो अर्थगौरम तो किन के साथ आता, अर्थगौरम भारवे, अर्थगौरम आपने सुना होगा, तो कवि भारवी जो है उनके साथ हमेशा अर्थगौरम, अगर आपने पीसीएस का पेपर या यूपीएससी दिया है तो उसमें आपको इस पे एक कोई ऐसे भी लिखने आ सकता है कि भारवे अर्थगौरम, तो भारवी जो है अर्थगौरम से रिलेटेड है, ये आप क्वेश्चन देख के बता देंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कालिदास किसके लिए प्रसिद्ध थे या किस चीज के लिए जाने जाते थे। ऑप्शन ए अर्थगौरम, बी उपमा, सी वैधर्वी रीति, या जो लास्ट ऑप्शन है आपका करुण रस। तो किसके लिए जाने जाते थे? अर्थगौरम के लिए तो भारवी जाने जाते थे, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रस उनका श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस दिया हुआ नहीं है, तो किसके लिए प्रसिद्ध थे वे? उपमा के लिए, उपमा अलंकार है उसके लिए। तो उनका अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें आप देखेंगे उपमा का बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें और भी ऑप्शन है, कालिदास की प्रसिद्ध क्या क्या कारण थे। ऑप्शन ए अर्थगौरव, भारवी अर्थगौरव, दूसरा है उपमा, सी है वैधर्वी रीति, और फोर है आपका करुण रस। तो इसमें से आपको ऐसे नहीं कि एक बताना है, इसमें आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ए में आप देखिए वन और टू, मतलब अर्थगौरव और उपमा के लिए। बी में है आपका टू और थ्री, टू और थ्री में क्या, उपमा और वैधर्वी रीति के लिए। सी क्या है, थ्री और फोर, थ्री और फोर में क्या है, वैधर्वी रीति और करुण रस के लिए, और लास्ट में क्या है, ऑल। तो कालिदास किसके लिए जाने जाते थे, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन बी में क्या है, टू और थ्री, मतलब उपमा और वैधर्वी रीति के लिए, बाकी करुण रस और अर्थगौरव के लिए नहीं जाने जाते थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी वैधर्वी रीति और उपमा अलंकार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
इसमें आपको दे दिया गया है मैचिंग कॉलम दे दिया गया है, उसमें से जो इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। तो इसमें कपल्स का नाम दे दिया गया कि आइदर वो हस्बैंड वाइफ हैं या कपल हैं, तो उसमें कौन सा इनकरेक्ट है, जो जो सही है कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मारिच वसुमती, देख लीजिए ठीक से, मारिच वसुमती। ऑप्शन बी अगस्त्य लोपामुद्रा, वशिष्ठ अरुंधति, विश्वामित्र मेनका। तो विश्वामित्र मेनका तो सभी को पता होगा, ठीक है। बाकी जो अदर ऑप्शन है वो आपको याद है या नहीं वो तो मैं नहीं बता सकती हूँ, अगर आप इतना डिटेल में पढ़े होंगे तो आप बता देंगे कि कौन सा गलत है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए जो है उसका है 1, मतलब पहले वाले को बोला जा रहा है वो सुमेलित नहीं है। बी में है 1 और 2, मतलब मारिच वसुमती और अगस्त्य लोपामुद्रा दोनों नहीं है। ऑप्शन सी 1, 2, 3 तीनों नहीं है, मतलब मारिच वसुमति भी गलत है, अगस्त्य लोपामुद्रा भी है, वशिष्ठ अरुंधति भी गलत है। लास्ट ऑप्शन है आपका 2, 3, 4, मतलब ऑप्शन 2 में देखिए अगस्त्य लोपामुद्रा, सी वशिष्ठ अरुंधति और जो फोर्थ ऑप्शन है आपका विश्वामित्र मेनका। तो विश्वामित्र मेनका तो सही है कि विश्वामित्र जब तपस्या कर रहे थे तब मेनका के तपस्या भंग की थी, तो ये तो सबको पता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मारिच और वसुमति, ठीक है। और इसमें भी करेक्ट क्या हो जाएगा, वसुमति के बदले क्या हो जाएगा, अदिति हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आप याद रखिए कि कौन किसकी पत्नी है, या फिर गुरु पत्नी कौन है, गुरु शिष्य कौन है, गोत्र क्या है उसके, मतलब जो पेरेंट्स गोत्र, आपको पूरा जिसके बारे में भी पढ़ रहे हैं पूरा डिटेल आपको पढ़ना है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपका गुरु शिष्य का पेयर दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका जनक शतानंद, ऑप्शन बी भर्तृहरि गोरखनाथ, ऑप्शन सी भवभूति ज्ञान निधि, ऑप्शन डी वरदराज और हरि दीक्षित। तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, वरदराज हरि दीक्षित नहीं होगा, भट्टो दीक्षित होगा, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन है वो सारे सही हैं, मतलब जनक शतानंद सही है। जनक शतानंद क्या है इसमें, कौन गुरु शिष्य जो दिया भर्तृहरि गोरखनाथ, तो शतानंद कौन थे, ये जो राजा जनक है उनके ये पुरोहित थे, मतलब जो पंडित जो कुल गुरु जो बोला जाता है, तो शतानंद वो थे। तो आप इसको रावण से या रावण की फैमिली से रिलेट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वागार्थिव संप्रिक्तो, उसके बाद डैश है, मंगलाचरण छंद किस ग्रंथ से संबंधित है। तो आपके सिलेबस में जो भी दिया हुआ है जैसे कि पूर्व मेघ है, अभिज्ञान शकुंतलम है, तो उसका मंगलाचरण वो आपको याद रखना है कि किससे, किस छंद से संबंधित है, किसको समर्पित है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो वागार्थिव संप्रिक्त तो मंगलाचरण छंद किस ग्रंथ से संबंधित है, ऑप्शन ए अभिज्ञान शकुंतलम, बी रघुवंशम, सी मेघदूतम या डी कादम्बरी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, बी रघुवंशम। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कपूर मंजरी की नायिका, कपूर मंजरी की नायिका, कपूर मंजरी तथा नायक डैश है, मतलब कपूर मंजरी की नायिका तो कपूर मंजरी है लेकिन नायक कौन है, लीड रोल किनका है इसमें, ऑप्शन ए रामपाल, बी श्यामपाल, सी हरिपाल या डी चंद्रपाल। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन देखना है कौन है, रामपाल नहीं है, श्यामपाल नहीं है, सी हरिपाल भी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी चंद्रपाल, किसकी, कपूर मंजरी की नायक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छो दस सरोवर, पंपा सरोवर तथा शालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है। क्वेश्चन अच्छा है, देख लीजिए आप, अक्षो दस सरोवर, पंपा सरोवर तथा
शाल्मली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? ऑप्शन ए कादंबरी, बी शिशुपाल वधम, सी मेघदूतम या डी रघुवंशम। तो अगर आपने सब जो ग्रंथ दिया हुआ सब अगर आप पढ़े होंगे तो एक बार में बता देंगे कि ये किससे रिलेटेड है। तो ये किससे रिलेटेड है? ए कादंबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच जन्य संघ का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप एक बार देखेंगे तो बता सकते हैं कि किसके साथ है। पंच जन्य या पांच जन्य दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो पांच जन्य संघ का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? ऑप्शन ए अर्जुन, बी भीम, सी युधिष्ठिर और डी श्री कृष्ण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है डी श्री कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शकुंतलम में विदूषक का नाम क्या था? कौन थे विदूषक अभिज्ञान शकुंतलम के? तो इस तरीके से आपको जो नायक नायिका है तो याद रखना ही है कौन विदूषक है या कौन क्या है, एक एक डिटेल, कौन नायिका की फ्रेंड्स हैं, कौन नायक का फ्रेंड है, नायक कैसा है, धीरोदात है, धीर ललित है, धीर गंभीर है, ये सारा चीज आपको जानना जरूरी है, एक्सपेक्टेड है आपसे अगर आप संस्कृत का एग्जाम दे रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये 30 नंबर क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम में विदूषक का नाम क्या था, कौन था विदूषक? ऑप्शन ए गौतम, बी मैत्रेय, सी माधव्य या डी वसंतक। तो करेक्ट आंसर क्या है? माधव्य। कहीं पे ध है कहीं पे ध भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमनाय से क्या तात्पर्य है या आमनाय से तात्पर्य किससे है? तो आमनाय शब्द का मतलब क्या है या तात्पर्य क्या है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए उपनिषद, बी आरण्यक, सी वेद या डी ब्राह्मण। तो किसको कहा जाता है ये? अगर आपने वो चैप्टर डिटेल में पढ़ा है ब्राह्मण उपनिषद आरण्यक तो आप एक बार में बता देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद को मंत्रों का वेद कहा जाता है? किस वेद को मंत्रों का वेद कहा जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन से वेद को हम लोग मंत्रों का वेद कहते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद में कुल कितनी शाखाएं हैं? आपसे पतंजलि के अनुसार पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्योंकि एग्जाम में अगर आप कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान से पढ़े नहीं और जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और इनकरेक्ट आंसर को आप टिक कर दिए, तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्वेश्चन एक बार पेशेंस के साथ पढ़ लेना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। कुछ लोग सिर्फ नाम देख के ऋग्वेद देखे पतंजलि देखे लगाना शुरू कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद में कुल कितनी शाखाएं हैं? कितनी शाखाएं हैं? ए 18, बी 19, सी 20 एंड डी 21। तो कितनी शाखाएं हैं? अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा टोटल कितनी शाखाएं हैं इसमें? 21। डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के रचयिता कौन है? ये भी इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के रचयिता कौन है? ए आत्री, बी वामदेव, सी कर्ण या डी पवमान। तो कौन है ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के रचयिता? ए आत्री, बी वामदेव, सी कर्ण या डी पवमान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी वामदेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? जो इंडियन म्यूजिक है, ठीक है, तो इंडियन म्यूजिक जो है उसके जनक वो मेन कहां से आया, किस वेद से ओरिजिन हुआ है, किसको माना जाता है? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। तो किस वेद को हम लोग मानते हैं? अगर आपने वेद वाला चैप्टर डिटेल में पढ़ा है तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन, आप एक बार में बता देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी सामवेद। आप ऐसे रिलेट भी करके पढ़ सकते हैं संगीत और साम, तो संगीत किस किस
किस वेद को संगीत का जनक माना गया है, म्यूजिक किससे ओरिजिन हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सामवेद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भैष्यानी सूत्र का संबंध किस वेद से है, भैष्यानी सूक्त का संबंध किस वेद से है, ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी अथर्ववेद। तो जितने भी वेद हैं उसमें कौन सा सूक्त है या कौन किस मंडल में कितनी शाखाएं हैं या कितने मंत्र हैं, कितनी संहिताएं हैं, ये आपको याद रखना है। तो इसके लिए आप जितने भी वेद हैं, जैसे कि ऋग्वेद का पढ़े तो एक बार ऋग्वेद का डिटेल लिख लीजिए, सामवेद का लिख लीजिए, अथर्ववेद का लिख लीजिए और यजुर्वेद का लिख लीजिए। इस तरीके से आप लिख लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशितकी ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, कौन सा ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौशितकी ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, ए ऋग्वेद से है। ये सारा डिटेल मैं वहां पढ़ा चुकी हूं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। जिन लोगों ने ये सब नहीं पढ़ा है या टाइम नहीं मिल पाया हो तो आप वहां पे प्लेलिस्ट में जाके ये टाइप करके सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, ये वाला चैप्टर सारा कवर हो चुका है। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको मैं पहले क्लास में नहीं बता चुकी हूँ, तो सारा का वीडियो अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे। अगर आपको उसमें डिटेल पढ़ना है तो आप वहां पे देख सकते हैं। चैप्टर के साथ साथ ग्रामर का भी है और उससे पहले 1000 क्वेश्चन का भी डिस्कशन किया जा चुका है, तो आप वो क्वेश्चन भी देख सकते हैं और अभी जो रिसेंट में अपलोड हो रहे हैं वो भी देख सकते हैं, दोनों आपके लिए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐत्रेय ब्राह्मण में किस पंचिका में द्वादश दिन तक होने वाले यज्ञों का वर्णन है, कौन से ब्राह्मण में, आपको ब्राह्मण का नाम दे दिया गया, ऐत्रेय ब्राह्मण में किस पंचिका में आपसे पूछ रहा है, किस पंचिका में द्वादश दिन मतलब 12 दिन तक जो योग होता है, यज्ञ होता है, उसके उसका वर्णन है। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या है, ए द्वितीय, बी तृतीय, सी चतुर्थ और डी पांचवी। तो किसमें है, किसमें द्वादश दिन 12 दिन का यज्ञ का वर्णन दिया गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पांचवी वाले में। तो आप इसको डिटेल में जाके पढ़ लीजिएगा वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रवृत युद्ध का आख्यान किस ब्राह्मण से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी भी है, किस ब्राह्मण से संबंधित है, इंद और वृत का जो युद्ध हुआ था ये किस ब्राह्मण में हम लोग पढ़ सकते हैं, ए ऐत्रेय, बी शतपथ, सी तात्रेय या डी गोपथ। तो करेक्ट आंसर क्या है, बी शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचविस ब्राह्मण में उल्लेखित व्रात्य यज्ञ के देवता कौन थे, इसमें आपको दे दिया गया है कौन सा ब्राह्मण, पंचविस ब्राह्मण के बारे में बताया जा रहा, उसमें उल्लेखित व्रात्य यज्ञ के देवता कौन थे, ए इंद्र, बी विष्णु, सी ब्रह्मा या डी शिव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी शिव। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरा बनाने का वर्णन किस ब्राह्मण में किया गया है, सुरा बनाने का वर्णन किस ब्राह्मण में किया गया है, ए तात्रेय, बी ऐत्रेय, सी शतपथ या डी गोपथ। तो किसमें आपको मिलेगा, ए ऐत्रेय में मिलेगा, क्या बनाने का, सुरा बनाने का, सुरा मतलब जो मदिरा होता है, वाइन विस्की जो अल्कोहल लीकर है वो। तो इसका वर्णन किस ब्राह्मण में किया गया है, ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छांदोग्य आरण्यक का संबंध किस वेद से है, छांदोग्य आरण्यक का संबंध किस वेद से है, ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। तो या पहले भी पढ़े हैं या कोई एग्जाम आप रेगुलर दे रहे हैं या मॉडल सेट या प्रैक्टिस सेट देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका संबंध किससे है, सामवेद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यकाम जाबाल की कथा किस उपनिषद से है, सत्यकाम जाबाल की कथा किस उपनिषद से है, ए ईशावास्य उपनिषद, बी कथ उपनिषद, सी छांदोग्य उपनिषद या डी मैत्री उपनिषद। तो किससे ये रिलेटेड है,
सी छांदोग्य उपनिषद से, सत्यकाम जाबाल की कथा। ठीक है, तो आप वो उपनिषद छांदोग्य वाला जाके पढ़ लीजिए या जो आपके सिलेबस में दिया उसको एक एक बार देख लीजिए तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेदांग को वेद की नासिका कहा जाता है? तो वेरी इजी क्वेश्चन है, आप जब पुरुष सूक्त बनाएंगे जो डायग्राम बनाते हैं तो उसमें पता है कि किसको क्या कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किस वेदांग को वेद की नासिका कहा जाता है? ए शिक्षा, बी कल्प, सी व्याकरण या डी छंद। तो किसको नाक कहा जाता है? ए शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांग साहित्य ज्योतिष के लेखक कौन है? जो साहित्य है ज्योतिष उसके लेखक कौन है? ए पाणिनि, बी यास्क, सी लंगत या डी पिंगक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी लंगत। वेदांग साहित्य ज्योतिष के, तो इसके कौन है? लंगत है। ठीक है, ऑप्शन सी, थोड़ा सा मिस्टेक है, आप उसको ठीक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको पढ़ रहे होंगे, मतलब बहुत बार क्वेश्चन हर एग्जाम में, जो भी संस्कृत वाला एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी है। तो कितनी है माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या? ऑप्शन ए 11, बी 12, सी 13 या डी 14। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी 14। तो अब तक तो आप लोगों को याद हो गया होगा कि 14 महत्वपूर्ण सूत्र हैं और इसके प्रत्याहार कितने हैं? 42 हैं। नेक्स्ट इज वेरी इजी क्वेश्चन, झ वर्ण का, झ से झाड़ू, ठीक है, झरिया वाला झ, तो झ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए कंठ, बी तालु, सी मूर्धा या डी दंत। तो आप च छ बोलते हैं तो वो कहाँ से उच्चारित होता है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी तालु। चवक का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन संधि से है, गुरु प्लस उपदेश, तो इसका शब्द क्या बनेगा? ए गुरुपदेश, बी गुरुपदेश, सी गुरुपोदेश या डी गुरुपदेश। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी गुरुपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी संधि से, शे प्लस अनम, शे प्लस अनम होता है तो क्या बनेगा? से प्लस अनम, शयनम बनेगा। इसका स्पेलिंग आप देख लीजिए कैसे होगा। तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? शयनम। इसमें कोई मात्रा नहीं होगा, शयनम जो फर्स्ट वाला है। और ये कौन सा संधि है ये डिटेल में बता चुकी हूँ कि संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि या विसर्ग संधि, व्यंजन संधि के कितने सूत्र हैं, वो सारा डिटेल में बता चुकी हूँ। तो जो लोग ये आज ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीही या डी तत्पुरुष। तो यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिसमें पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश युक्त में कौन सा तत्पुरुष समास होगा? आपको ये भी दे दिया है कि प्रकाश युक्त शब्द है उसमें तत्पुरुष समास है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि कौन सा तत्पुरुष है। ए द्वितीय तत्पुरुष, बी तृतीय तत्पुरुष, सी चतुर्थ तत्पुरुष या डी पंचमी तत्पुरुष। तो जब हम लोग तत्पुरुष समास पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? कारक के विभक्तियों का चिन्ह लगता है। तो इसमें आपको क्या करना है? इसको विग्रह करना है। विग्रह करेंगे प्रकाश युक्त, मतलब प्रकाश से युक्त, प्रकाश के द्वारा। तो के द्वारा किस में लगता है? तृतीय तत्पुरुष में लगता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय तत्पुरुष। ठीक है, इतना आप कर लेंगे आपको 3 मार्क्स ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मासम अधिते, मासम अधिते कौन से विभक्ति, यहाँ पे जो मासम अधिते वर्ड है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए द्वितीय, बी तृतीय, सी चतुर्थी या डी षष्ठी। तो आप अगर कारक डिटेल पढ़े हैं या पहले भी पढ़े होंगे तो आप सूत्र बता सकते हैं कि इसमें कौन से सूत्र का यूज हुआ है।
तो मासम अधिते मतलब एक महीने में एक महीने पढ़ा या दो महीने पढ़ा, जितने भी महीने पढ़ा। तो इसमें जब कालवाची और मार्गवाची शब्द आता है तो इसमें कौन सा विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आप अगर अभी आपको नहीं याद आ रहा तो आप एक बार सूत्र देख लीजिए, सूत्र देख लेंगे तो आपको पूरा कारक का सूत्र याद हो जाएगा, प्रथमा से लेके अधिकरण तक के सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका किससे कारक सही है, इसमें आपके जितना भी सिलेबस दिया हो सारे चैप्टर को कवर करके क्वेश्चन कंपाइल किया गया है। तो अगर आप सीरियसली इसको देख रहे होंगे और वीडियो को कंप्लीट देख रहे होंगे तो आपको लगेगा कि ईच एंड एवरी जो आपका चैप्टर है सबसे क्वेश्चन है, और सबसे ऐसा क्वेश्चन है कि आपको आता भी है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने कहीं सुना नहीं है पढ़ा नहीं है, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप इजीली उसको आंसर कर सकते हैं। और कुछ लोग के लिए तो बहुत ईजी होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, वो तो आपको एग्जाम देने के जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। तो आप एक एक बार ये सारे क्वेश्चन को जरूर देख कर जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साधकम का साधकतम करणम विधायक सूत्र का संबंध किस विभक्ति से है। अब इसमें ऑलरेडी आपका करणम लिखा हुआ है तो आप देख के बता देंगे कि किस विभक्ति से है। ए द्वितीय, बी तृतीय, सी चतुर्थी, डी पंचमी। ये तो फॉर्मेलिटी है बताना, अगर आपने देख लिया आपको सूत्र याद है तो आप एक बार में बता देंगे कि कौन सा सूत्र है, यहाँ पे तृतीय विभक्ति का सूत्र है, ठीक है। इसमें जितने भी कारक के सूत्र थे प्रथमा से लेके मैंने अधिकरण, जितना भी सूत्र है आपके सिलेबस में सूत्र मेंशन नहीं किया, सिलेबस में यह है कि आपको कारक पढ़ना है। और कारक को क्या बोला जाता है? व्याकरण का आत्मा। अगर आपने कारक नहीं पढ़ा है तो आपने व्याकरण नहीं पढ़ा है। तो आपको कारक का एक एक सूत्र कहाँ कैसे प्रयोग हो रहा है, कहाँ इसका एक्सेप्शनल सूत्र या अपवाद सूत्र लग रहा है, वो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप कहीं से भी पढ़े लेकिन कारक को पूरा पढ़ कर जाइए एग्जाम हॉल में। तो इसका क्या हो जाएगा? तृतीय सूत्र हो जाएगा, ठीक है, तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूसिका में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय भी आपका कवर हो चुका है, तो आप प्रत्यय पढ़े होंगे, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, ठीक है। तो मूसिका में कौन सा प्रत्यय है? ए ऑप्शन ए टाप प्रत्यय, बी ई प्रत्यय, सी इंस प्रत्यय, या डी इन प्रत्यय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा प्रत्यय है? टाप प्रत्यय। पहला वाला जो स्त्री प्रत्यय आप पढ़ेंगे उसका सूत्र अजान्त टाप पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा टाप प्रत्यय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दक्षी में कौन सा प्रत्यय है। दक्षी में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए अण प्रत्यय, बी यत प्रत्यय, सी ढक प्रत्यय, या डी इ प्रत्यय। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, दाक्षी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इ प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शब्द रूप धातु रूप से है, यह भी इजी क्वेश्चन है। पतिनाम शब्द विभक्ति कौन सी है। आपका शब्द है पतिनाम, उसमें कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए तृतीय, बी चतुर्थी, सी षष्ठी, डी सप्तमी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी षष्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सुधिभ्याम शब्द किस वचन का है। ये सब इजी क्वेश्चन है, एक बार में आप देख के, ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप स्कोर आराम से कर सकते हैं बिना सोचे समझे, अगर आपको धातु रूप शब्द रूप याद है। सुधिभ्याम शब्द किस वचन का शब्द है? एक वचन, बी द्विवचन, सी बहुवचन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी द्विवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, याचम है। अब इसमें आपसे पूछा गया है कौन से पुरुष का शब्द है ये, प्रथम पुरुष, ऑप्शन ए प्रथम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी उत्तम पुरुष, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया है, सी उत्तम पुरुष। ये आपके शब्द रूप धातु रूप पढ़ रहे होंगे तो देखते से बता देंगे। नेक्स्ट है चिनुतम, तम शब्द रूप है, चिनुतम शब्द का संबंध किस लकार से है। किस लकार से इसका संबंध है? ए लोट लकार, बी लट लकार, सी लंग लकार, और डी लुंग लकार। तो किस लकार से इसका संबंध है,
आपका शब्द है चिन्यूतम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए लोट लकार। ठीक है, तो आप अब तक लकार, धातु रूप, शब्द रूप ये सारा याद कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यावताम भागवते परीक्षा कथन किस ग्रंथ से संबंधित है। ये जो कथन है विद्यावताम भागवते परीक्षा कथन किस ग्रंथ से संबंधित है। ग्रंथ आप ध्यान से देखिए, ए रामायण, बी श्रीमद् भागवत गीता, सी मेघदूतम या डी जानकी हरम। तो ये किससे संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर है बी श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपसे जो साहित्य वाले पोर्शन है उस मतलब जितने भी आपका पोर्शन है, जितना भी सिलेबस में जो जो चैप्टर मेंशन है उससे सबसे क्वेश्चन कवर हो रहा है। बस हाँ 100 क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, मे बी आप लोग नहीं भी देखेंगे। ये ओनली 70 क्वेश्चन है और सब चीज़ को टच किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेघदूत किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए आख्यायिका, बी खंड काव्य या गीति काव्य, सी व्यायोग या डी सट्टक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेघदूत किस विधा की रचना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खंड काव्य या गीति काव्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत सही है, मेघदूतम का प्रधान रस क्या है। मेघदूत में कौन सा प्रधान रस है, ए वीर रस, बी अद्भुत रस, सी भक्ति रस या डी विप्र लंब श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है, तो इसमें प्रधान रस क्या है, तो कालिदास का है तो प्रधान रस क्या होगा, आप ऐसे ही आंसर लगा देंगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विप्रलंब श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत के यक्ष के शाप की अवधि क्या थी। मेघदूत में जो यक्ष है उनको जो शाप मिला था तो उसका टाइम पीरियड पूछा जा रहा है कि उनको जो शाप मिला था तो कितने साल के लिए मिला था। ए 14 वर्ष, बी 1 वर्ष, सी 5 वर्ष या डी 10 वर्ष। तो कितने वर्ष के लिए वो शापित थे, 1 वर्ष के लिए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघ की यात्रा में सर्वप्रथम कौन सा प्रदेश पड़ता है। ये जो लास्ट के 10 क्वेश्चन है वो एक एक जो आपके सिलेबस में है, जैसे कि मेघदूत है तो शकुंतलम है तो उत्तरामचरित है, उससे 10 क्वेश्चन किया गया है। तो मेघदूत में मेघ की यात्रा में सर्वप्रथम कौन सा प्रदेश पड़ता है। ए माल प्रदेश, बी कीकट प्रदेश, सी सतगांव प्रदेश या डी विराटनगर। तो ये जो आपके ऑप्शन है वो उस टाइम पीरियड को ही दिया हुआ है, अभी से ये रिलेटेड नहीं है, उस टाइम वाला ही आंसर आपको बताना है। तो सर्वप्रथम कौन सा प्रदेश पड़ता है, सर्वप्रथम पड़ता है माल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रावण की तलवार का क्या नाम था। रावण की तलवार का क्या नाम था, मतलब उस समय जो होते थे सबके अपने वेपन का नाम होता था, जैसे अर्जुन का गांडीव हुआ, जिसका जो फेवरेट वेपन्स था उनका भी नाम होता था। ठीक है, तो रावण की तलवार का क्या नाम था। ऑप्शन ए तंत्रहास, बी सेंगोल, सी चंद्रहास या डी सूर्यहास। एक बार फिर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए तंत्रहास, बी सेंगोल, सी चंद्रहास या डी सूर्यहास। तो करेक्ट आंसर क्या है, चंद्रहास। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्ष के घर पिंजरे में कौन सा पक्षी पाला गया था। मतलब यक्ष के घर में जो पक्षी था जिसको पिंजरे में रखा गया था तो वो कौन सा पक्षी था। ए कबूतर, बी मैना, सी बया या डी उल्लू। तो कौन से पक्षी को पाला गया था, बी मैना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्षिणी कौन सा वाद्य यंत्र बजाती थी। तो यक्षिणी कौन सा वाद्य यंत्र बजाती थी। ए वीणा, बी तबला, सी संतूर या डी बांसुरी। तो यक्षिणी जो थी कोई वाद्य यंत्र बजाती थी, वो कौन सा बजाती थी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मेघदूत को शोक गीत कहा है। ऑप्शन में आपके कुछ ऑथर्स के नाम दिए हुए, तो किस ऑथर ने जो है मेघदूत को शोक गीत कहा है। ऑप्शन ए मैक्स मुलर, बी हर्टले, सी
व्याडी या लास्ट ऑप्शन डॉक्टर कीथ। तो किसने शोक गीत कहा है? करेक्ट आंसर इसका होगा डॉक्टर कीथ ने कहा है शोक गीत। तो इस टाइप के स्टेटमेंट आप याद रखिए कि किस ग्रंथ को क्या कहा गया है या किसके द्वारा, कौन सा जो एनालिसिस क्रिटिकल एनालिसिस होता है तो किसने क्या कहा है उसके बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहू कन्या के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जहू कन्या किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए सरस्वती, बी गंगा, सी सरयू या डी विपाशा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, जहू कन्या किसको कहा जाता है? ऑप्शन बी गंगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, यक्ष के घर के बाहर कौन सा वृक्ष स्थित है जिसे यक्षिणी ने पुत्रवत माना है? यक्ष के घर के बाहर कौन सा वृक्ष स्थित है जिसे यक्षिणी ने पुत्रवत माना है, मतलब यक्ष के घर के बाहर कौन सा वृक्ष, वृक्ष तो बहुत सारे होंगे लेकिन कौन से वृक्ष को यक्षिणी जो है पुत्रवत मतलब पुत्र के समान मानती है? ऑप्शन ए आम, आम का वृक्ष है, बी वट वृक्ष है, सी मंदार वृक्ष है या डी अशोक। तो कौन से वृक्ष को यक्षिणी अपने पुत्र के समान मानती है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मंदार वृक्ष। तो यहाँ आपका 70 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप ये 70 क्वेश्चन देखिए आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में आपने कितने करेक्ट किए हैं या कितने इनकरेक्ट हुए हैं। ट्राई टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये नहीं आता है या ये अच्छा लगा तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो ट्राई टू वॉच द कंप्लीट वीडियो, आप कंप्लीट पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। या ये तो प्रैक्टिस सेट है, 70 क्वेश्चन है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस देखिए जहाँ से भी देख रहे होंगे या जहाँ से भी आपका सोर्स होगा पढ़ने का, तो आप एग्जाम से पहले ये सारे प्रैक्टिस सेट जो है उसको एक बार जरूर देख के जाइए। मे बी इसी से क्वेश्चन आ जाए या 10-15 क्वेश्चन इसी से आ सकता है, रिपीट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस का क्या है आप कहीं से भी पढ़ रहे होंगे तो मैटर तो वही है ना, कुछ नया मैटर तो आया नहीं है, तो जो मैटर आप पढ़ के जाएंगे उसी से क्वेश्चन आएगा। सो आप सारे वीडियोज़ देखिए, इससे पहले जो सिलेबस का पूरा कवर हो चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो सिलेबस को जाके पूरा कवर कर सकते हैं एक दो बार में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट्स।